आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अधिकांश प्रत्याशियों ने शुक्रवार का दिन शुभ मानते हुए अपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए। शनिवार को पड़ रहे चंद्र ग्रहण और शासकीय छुट्टी के चलते अधिकांश विधानसभा प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र एक दिन पहले यानी शुक्रवार को दाखिल कर दिए। इसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों ने भी अपने पर्चे दाखिल किए। शुक्रवार को शिवपुरी जिले के करेरा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 23 के प्रांगण में पर्चे भरने को लेकर काफी जनता एकत्रित रही। इस दौरान वहां पुलिस की भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। इसी दौरान करेरा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रमेश खटीक के साथ में पूर्व कैबिनेट मंत्री जयभान सिंह पवैया, प्रदेश महामंत्री रणवीर सिंह रावत नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे, जहां प्रत्याशी रमेश खटीक ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी प्रगीलाल जाटव के साथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजय सिंह चौहान और पूर्व विधायक लाखन सिंह बघेल ने साथ पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशी प्रगीलाल जाटव का नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष दाखिल किया। सारे मेरे साथ हैं, पूरे पहले भी थे और आज भी है मेरे साथ। और वर्तमान में जितने कांग्रेसी नेता हैं यहाँ, जिले की जो टीम है, जिलाध्यक्ष जी साथ हैं आपके, सभी लोग साथ हैं, सबका समर्थन है आपको। सारे जो मेरे पूरे सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, जो अभी वर्तमान में जो अभी संगठन वो सारे पार्टी के वरिष्ठ पार्टी जनता पार्टी है, सभी अपने दोस्तों के लिए और आम नागरिकों के लिए बधाई देता हूँ। पहले तो वरिष्ठ अधिकारी हमारे वरिष्ठों के लिए इसलिए कि उन्होंने मुझे किया और जनता के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए जो उनकी आवाज़ पर मुझे दिया, और जो भी आप टिकट दिया तो मैं खड़ा उतरूँ पार्टी के लिए। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट।